धोनी को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं खत्म नहीं हो रही हैं। जी हाँ, लोग धोनी के संन्यास को लेकर काफी लोग सामने आ रहे हैं, यहाँ तक कि जो भी क्रिकेटर क्रिकेट जगत से जुड़े हुए लोग हैं वो सामने आ रहे हैं और धोनी को लेकर बयान दे रहे हैं। वहीं धोनी के फैंस भी या धोनी को जो नहीं चाहते, यानी कि धोनी को जो लोग ट्रॉल करते हैं, वो लोग भी धोनी को लेकर काफी ज्यादा मजाक बना रहे हैं और धोनी को ट्रॉल भी कर रहे हैं उनके बुढ़ापे को लेकर और उनका संन्यास न लेने को लेकर कि वो टीम में खाली जगह घेर के खड़े हैं, वो संन्यास नहीं ले रहे हैं। अब ऐसे में 2011 के विजेता टीम के मेंबर यानी कि मुनाफ पटेल ने भी धोनी के रिटायरमेंट पर एक बयान दिया है। चलिए बात करते हैं इस पूरे मामले पर कि क्या उन्होंने बयान दिया है, क्या उन्होंने कहा है और धोनी का रिटायरमेंट किस हद तक सही है। इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए मौजूद है मेरे सहयोगी आशीष और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल इन खबर और मैं हूँ आपका अभिषेक पांडे। अब अगर बात करें मुनाफ पटेल को लेकर आशीष, तो मुनाफ पटेल ने भी जहां तक देखा जाए महेंद्र सिंह धोनी का सपोर्ट किया है। अगर क्रिकेट जगत से देखें तो क्रिकेट जगत से अधिकतर लोग जो है वो धोनी का सपोर्ट ही कर रहे हैं कि धोनी को पता है कि कब उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए, कब उन्हें क्रिकेट छोड़ना चाहिए और बखूबी मालूम है धोनी को कि उनके अंदर कितना क्रिकेट बचा है और कितने दिन तक वो क्रिकेट खेल सकते हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि जो लोग धोनी को ट्रॉल करते हैं और उनको संन्यास लेने को लेकर कहते हैं, उनका किस हद तक कहना ठीक होगा? देखिए, जिस तरीके से मुनाफ ने अभी अपना बयान दिया है धोनी को लेकर कि माही में अभी काफी क्रिकेट बचा है और अभी उनको संन्यास लेना चाहिए, अगले साल जो T20 वर्ल्ड कप है ऑस्ट्रेलिया में, माही को वो भी खेलना चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं, जो लोग क्रिकेट के मैदान पर रहते हैं और जो लोग महेंद्र सिंह धोनी के साथ खेले हैं उनको पता है वो कितने बड़े दर्जे के खिलाड़ी हैं और एक मैदान पर जब खिलाड़ी उतरता है तो उसके साथ क्या क्या होता है, कैसे वो खेलता है, कैसे उस सिचुएशन को डील करता है, कैसे टीम को लीड करता है, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। लेकिन एक बैठ के बात करना बहुत आसान होता है, वही ट्रोलर करते हैं कि बैठ के बात करना, जब कप्तान विराट कोहली खुद माही के पक्ष में है, सेमीफाइनल टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ हारा, उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि धोनी ने और जडेजा ने अपना खेल बखूबी दिखाया। लेकिन ट्रोलर का काम ट्रोल करना है, बतौर खिलाड़ी मुनाफ पटेल ने अपनी राय दी है और मुनाफ पटेल के अलावा काफी ऐसे खिलाड़ी हैं जो धोनी के सपोर्ट में हैं, कुछ ऐसे हैं जो उनके सपोर्ट में नहीं है। लेकिन आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि माही में अभी काफी क्रिकेट बाकी है। अब वहीं जैसे कि अगले बात किया ट्रॉलर्स को लेकर बात कर रहे थे हम, तो युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह वो भी अक्सर धोनी को लेकर कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, उनके बारे में तो मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा कि जिस तरीके से वो बातचीत करते हैं वो सबको दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि उनकी बातों का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो सीधा तौर पे धोनी को बताते हैं। अभी हाल ही में एक बयान में उन्होंने कहा कि धोनी एक तरीके की गंदगी है, लेकिन आप भी जानते हैं जो धोनी ने इंडियन क्रिकेट के लिए किया है वो शायद कोई कप्तान या कोई खिलाड़ी कर सकता है। ICC की इतनी ट्रॉफियां दिलाना बिल्कुल, और बतौर खिलाड़ी टीम के लिए इतना कुछ करना काबिल तारीफ है। युवराज सिंह के बयान मेरे हिसाब से धोनी के लिए कुछ मायने नहीं रखते। जी बिल्कुल, जैसा आपने देखा आशीष ने बताया कि धोनी को भी अभी खेलने के लिए उनको किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, उनको खुद बखूबी पता है कि उन्हें कब तक क्रिकेट खेलना चाहिए और कब क्रिकेट से संन्यास लेना चाहिए। तो वहीं जो लोग उन्हें ट्रॉल करते हैं, खैर ये तो काम है सभी का, जो ट्रॉलर्स आर्मी जिन्हें ट्रॉलर आर्मी कहा जाता है, सोशल मीडिया पर मौजूद होती है, जो किसी भी शख्स को ट्रॉल करना शुरू कर देती है उसको ट्रॉलर आर्मी कहा जाता था। तो ठीक उसी प्रकार जो महेंद्र सिंह धोनी है वो भी केवल ट्रॉलर आर्मी का ही शिकार है, क्योंकि अगर क्रिकेट जगत से भी देखा जाए तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो प्लेयर्स हैं वो धोनी को सपोर्ट कर रहे हैं। सभी कहते हैं कि धोनी एक बेहतर प्लेयर हैं, वो काफ़ी बेहतर कप्तान भी रह चुके हैं, तो उनको बखूबी पता है कि उनको अपने करियर के साथ क्या करना चाहिए। फिलहाल तो धोनी 2 महीने के रेस्ट पर हैं, वो 2 महीने सेना के साथ रहेंगे। अब ये देखना होगा धोनी जब वापसी करेंगे मैदान पर तो कब अपने संन्यास को लेकर कोई अनाउंसमेंट करते हैं। फिलहाल तो धोनी का कोई भी इरादा नहीं है संन्यास का, तो देखते हैं इस पूरे मामले पर अगली अपडेट क्या आती है। फिलहाल के तो इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।